दोस्तों एक क्वेश्चन जिसके बारे में मेरे पास हर दिन दो से चार लोग ऐसे कमेंट करते हैं या डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पर कि भाई स्पॉन्सर का मेल आया है और हम उनसे कैसे बात करें और हम कैसे जो है जस्टिफाई करें कि वो फेक है या रियल है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर लाइव बात करके दिखाने वाला हूं कि एक स्पॉन्सर वालों से आप कैसे बात कर सकते हो, कितने प्राइज आपको जो मांगना चाहिए, कैसे आप जो स्पॉन्सर को डन कर सकते हो। ठीक है, और स्पॉन्सर लेने का सही तरीका क्या है कि वो फेक है या रियल है, उससे आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो उस चीज का मैं पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूं, आपको लाइव दिखाऊंगा। मैंने अभी से जो है लगभग शायद से कल या परसों मैंने एक स्पॉन्सर किया था। ठीक है, मीका एप्लीकेशन का, मीका एप्लीकेशन का मैंने जो है स्पॉन्सर वीडियो किया था। ठीक है, तो उसका मुझे कितना पेमेंट मिला और मैंने कैसे उनसे बात की और कैसे क्या कुछ हुआ। ठीक है, और कैसे आपको बात करनी है अगर आपके पास कोई भी स्पॉन्सर का मेल आता है। ठीक है, तो कैसे बात करनी है सारी चीजें आपको बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने उस एप्लीकेशन को और उस वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जिस एप्लीकेशन के बारे में मैंने वीडियो बनाई है आपको उस एप्लीकेशन में जाकर सिर्फ साइन अप कर देना है। ठीक है, यानी कि अपना मोबाइल नंबर डाल के या फिर गूगल अकाउंट आईडी कोई फेक डाल के जो है अपना जो है साइन अप कर देना है और उसके बाद आपको छोड़ देना है। ठीक है, आगे प्रोसेस क्या है, उससे प्रॉफिट क्या है, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बता रखी हैं। फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बताना कि आखिर कैसे आप एक स्पॉन्सर वालों से बात कर सकते हो और कैसे स्पॉन्सर आप डन कर सकते हो और कैसे पहचान सकते हो कि स्पॉन्सर रियल है और फेक है। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज मैं आपको कोई इस तरीके से साइड में फोन की स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगा, आज मैं आपको सामने फोन की वीडियो बनाकर ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं तो आपके समझ में थोड़ा कम आता है, मैंने इस चीज को नोटिस किया है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर और दिखाते हैं आपको आगे। सो दोस्तों आप देख सकते हो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने मोबाइल पर, और मोबाइल पर आने के बाद मैं आपको लाइव दिखाता हूँ किस तरीके से जो है मैंने बात की और किस तरीके से मैंने स्पॉन्सर किया। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने मेल को ओपन कर लेता हूँ, मेल को ओपन करूंगा तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो सबसे ऊपर एक मेल पड़ी है 19 फरवरी की, नेहा अग्रवाल। ठीक है, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट हो गया, एक बार क्लिक करते हैं इस पर। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है हाय आई एम नेहा अग्रवाल फ्रॉम मीका एप्लीकेशन, वी वांट टू प्रमोट अवर ऐप ऑन योर यूट्यूब, वी आर लुकिंग लुकिंग फॉर ए ग्रेट यूट्यूबर लाइक यू, वी वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू ज्वाइन विद अस, द नेम द ऐप नेम इज मीका, दिस इज द लिंक एंड यू कैन चेक। यहाँ पर इन्होंने एक लिंक दिया है, ठीक है, मीका एप्लीकेशन का है जो कि, ठीक है, और इसके नीचे इन्होंने अपने ऐप के बारे में डिस्क्राइब किया है, दिस इज द बेसिकली लाइव स्ट्रीमिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग ऐप, ब्रॉडकास्टर कैन अर्न फ्रॉम दिस ऐप एंड people can have fun with using the app and can do live chats। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो application है ये भाई एक live streaming से related application है और इससे लोग पैसे भी कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये, उसके नीचे इन्होंने लिखा हुआ है price range can be discussed। ठीक है, contact us on WhatsApp, नीचे हमें mobile number दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या, ये एक original mail है। ठीक है, ये fake mail नहीं है। ठीक है, फेक मेल में, लेकिन अब आपको भैया आपने इतनी जल्दी कैसे बिलीव कर लिया, तो देखो इन्होंने जो ऊपर लिंक दी है, ठीक है, ये जो लिंक यहाँ पर दी है, मैंने इस लिंक पर फिर भी क्लिक नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था भाई हो सकता है भाई फेक हो। ठीक है, जरूरत नहीं है कि अगर कोई यहाँ पर मोबाइल नंबर दे रहा है तो वो ओरिजिनल मेल हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सिंपल सा जो है इनको इनके मोबाइल नंबर कॉपी किया और मैंने इनको व्हाट्सएप पे क्या किया, मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज किया मैंने। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप आपको ओपन करके दिखाता हूँ, मैंने व्हाट्सएप पर ओपन किया, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये रहा इनका नंबर, तो मैंने इनको क्या किया, मैंने इनको यहाँ से किया मैसेज। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या मैसेज किया, हेलो स्पॉन्सरशिप रिलेटेड मेल किया था आपने और नीचे अपने चैनल की लिंक मैंने दे दी। ठीक है, तो इन्होंने बोला प्लीज सेंड योर चैनल, सेंड योर यूट्यूब चैनल, यानी कि लिंक मांग रहे हैं, लेकिन मैंने जस्ट उसके पहले अपनी लिंक दे दी थी। ठीक है, इन्होंने मैसेज किया ओके वी विल कॉन्टैक्ट यू सून, ओके इन दिस योर नंबर, जी हाँ यस, मैंने बोल दिया, ये बोल रहे हैं कि भाई ये आपका ही नंबर, तो मैंने कहा ठीक है ओके विल यू कॉन्टैक्ट यू सून। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद रिप्लाई किया, हेलो ये एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है, मैं ब्रॉडकास्टर को पैसे कमा, इसमें ब्रॉडकास्टर पैसे कमा सकता है, आदमियों को लाइव चैट पर बात कर सकते हैं और ये एक बहुत एंटरटेनिंग ऐप है। ठीक है, आपको हमारे बारे में साइनअप चाहिए, मतलब यहाँ पर इन्होंने अपने एप्लीकेशन के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा एप्लीकेशन है, आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम करना है और इससे रिलेटेड वीडियो बनानी है। ठीक है, ऊपर इन्होंने लिखा आपका बजट क्या है, एक वीडियो पे कितना। ठीक है, क्या क्या आप चेक किए हैं हमारा ऐप,
मैंने लिंक पर क्लिक नहीं किया था, लेकिन मैंने यूट्यूब पर सर्च करके और प्ले स्टोर पर सर्च करके देख लिया था कि वो एप्लीकेशन है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मैसेज कर दिया हाँ कर लिया। आपने देखा होगा मेरी ऑडियंस सिर्फ लाइव स्ट्रीम वाली है, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस समझ लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने किया जी, लेकिन आपको कितने एक वीडियो पर चाहिए कृपया बताइए, उसके बाद हम आपको ये अरेंज कर सकते हैं, मतलब हमारे तरफ से आपको कितना पे करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग्स भेजी पेमेंट रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने इनको बताया कि भाई मेरे चैनल के हिसाब से आपको जो बेटर लगे वो आप मुझे दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने इनको यहाँ पर कुछ रिप्लाई दे दिया कि भाई इतने पैसे मुझे चाहिए। जैसे कि आप अगर मेरे चैनल को देखोगे, ठीक है, तो व्यूज़ बहुत कम ही है, बहुत ना समान व्यूज़ आते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा ओके जी, डिस्कस करने के बाद बताऊँगी, मतलब यहाँ पर मैंने इनको जो प्राइस बताया तो उन्होंने कहा डिस्कस करने के बाद बताऊँगी। तो उन्होंने एक स्क्रीन शॉट भेजा माई फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई हम आपको लास्ट प्राइस 2K कर पाएंगे, यानी कि 2000 रुपये हम आपको इस एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बनाने के लिए दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मैसेज किया, मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग, मैंने कहा मैम वो आपकी बात सही है, आप 2000 कर पाओगे, लेकिन कुछ आप थोड़ा बहुत और समझ लीजिए जिससे मैं डन कर पाऊँ। ठीक है, तो इन्होंने बोला ओके, हम आपके साथ वीडियो करने के लिए रेडी हैं, मतलब ये कई अदर की लैंग्वेज है। ठीक है, आपके साथ वीडियो करने को पसंद है, फर्स्ट वीडियो के बाद फीडबैक अच्छा आएगा तो अगले वीडियो पर हम ज़्यादा पे करेंगे आपको। ठीक है, तो मैंने कहा ओके, उसके बाद मैंने इनसे बात की। ठीक है, तो ये मैंने एक किसी भाई ने बना रखी थी वीडियो, तो मैंने उसकी लिंक कॉपी करके इनको भेजी। मैंने कहा क्या इस टाइप का वीडियो बनाना है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जी हाँ। और ठीक है, और बनके जो मतलब 2000 रुपये मेरी बात डन हुई थी इनसे, इन्होंने बोला बनके आपको अनपब्लिश लिंक पे पेमेंट मिल जाएगा, प्लस बनके पब्लिक होने के बाद। ठीक है, यानी कि जब आप वीडियो बनाओगे इस एप्लीकेशन के बारे में तो आप अनलिस्टेड लिंक उनको देनी होती है, जब आप उनको अनलिस्टेड लिंक दोगे तो उसके बाद वो अगर आपकी वीडियो पसंद आएगी तो वो क्या करेंगे कि आपको आधा पेमेंट कर देंगे, और उसके बाद जब आप वीडियो पब्लिक करोगे तो फिर आपका आधा पेमेंट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला हाँ जी हम आपको बताएंगे क्या क्या वीडियो में इंक्लूड करना है। ओके, ठीक है, तो इन्होंने फिर हमें बताया कि क्या क्या करना है। इसके बाद मैंने जो है सारी चीज़ें इनके एप्लीकेशन के बारे में देखी, और इन्होंने बोला जल्दी से वीडियो चाहिए। मैंने कहा भाई शाम तक मिल जाएगा, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, मैंने कहा भाई अगर आपके पास कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, या नहीं तो इन्होंने बोला भाई आप खुद से जो है क्या नाम है बना दो। ठीक है, और एक बात, इसमें खूब कमा भी सकते हैं, ये भी चीज़ें इंक्लूड करना है, और ये बात सही है भाई, इसमें पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको मैसेज किया 6:12 पर शाम को। ठीक है, मैंने कहा वीडियो रेडी है, अनलिस्टेड लिंक चाहिए आपको। बोली हाँ जी भेज दो। मैंने अनलिस्टेड लिंक दी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला काम बहुत अच्छा है, हमने मैनेजमेंट को आपका वीडियो सेंड किया है, आपका पेमेंट मिलेगा, ओरिजिनल वीडियो लिंक पब्लिश करने के बाद आपको दूसरा पेमेंट मिलेगा, यानी कि आपका जो पहला आधा पेमेंट है वो यहाँ पर आपका अनलिस्टेड पर मिल जाएगा, और आधा पेमेंट आपका पूरी वीडियो पब्लिक करने के बाद मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अनलिस्टेड पेमेंट कब मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, तब तक इन्होंने अपनी साइड से एक लिंक सेंड कर दी कि भाई ये जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में डालना, जिससे लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है मैं डाल दूंगा। ये इन्होंने बोला अनलिस्टेड का कल आपका पेमेंट मिलेगा, वीडियो पब्लिक कब करनी है, इन्होंने कहा मैनेजमेंट जो है रात को उत्तर देगा, फिर मैं आपको उसी हिसाब से जो है सो बता दूंगा। तो इस हिसाब से कुछ इन्होंने मुझे रिप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने क्या आई विल इन्फॉर्म यू, उनका ओके। इन्होंने बोला आपका UPI Paytm भेज दो, आज दिन में पेमेंट मिलेगा। ओके, मैंने कहा स्कैनर दे दूँ, बोल भेज दो। मैंने इनको स्कैनर भेज दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने वीडियो अनलिस्टेड पे इनको लिंक दे दी थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये बोलते हैं जी हमारा लिंक पोस्ट किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने कहा अभी मैं क्यों पोस्ट करूँ भाई, अनलिस्टेड पर चैनल हैक भी हो सकता है। तो मैंने इनको बोला वीडियो पब्लिक करेंगे तो डाल देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ओके, क्योंकि मैनेजमेंट ये लिंक चेक करेंगे। मैंने कहा जब वीडियो पब्लिक करेंगे तो डालेंगे, आप टेंशन फ्री रहिए, बात खत्म। अभी से मैं क्यों डालूँ भाई, सीधी सी बात ये है, मैं अभी से क्यों डालने लग जाऊँ। ठीक है, तो मैंने इतना बोल के जो है बोले ओके जी पेमेंट दिन में मिल जाएगा। मैंने कहा दिन मतलब, तो ये किसी अदर कंट्री से हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला, मैंने कहा अभी तो रात होने वाली है, इंडिया है ये। ठीक है, तो ये बोली जी आपका पेमेंट मिल जाएगा, ट्रस्ट मी। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आया, इन्होंने बोला आपका पेमेंट अप्रूव किया है, लेकिन अकाउंट मैनेजर ऑफ है, इसलिए अभी तक आपको जो है पेमेंट नहीं मिल पाया है, उन्होंने अभी जो है मेल का रिप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो ये बोली अनपब्लिश का जो है पेमेंट पक्का कल। मैंने कहा ओके, तो मैंने इनको फिर 1 बजे दोपहर में मैसेज किया। मैंने कहा वीडियो पब्लिक करनी है या हटा दूं, भाई आप 24 घंटे हो गए थे। ठीक है, तो बोली हाय पेमेंट मिला है। ठीक है, तो इन्होंने पेमेंट कर दिया था बट मैंने चेक नहीं किया था। ठीक है, तो मैंने कहा अब मैं चेक करता हूँ। तो मैंने चेक किया, तो इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, बोल देख लीजिए। मैंने कहा आई विल चेक।
मैंने चेक किया, ठीक है। चेक करने के बाद ये बोली वीडियो पब्लिक कर दो, ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रही है, मैं एक वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले भी कर देता हूँ। ओके जी, चेक करो क्योंकि हमने आपका पेमेंट किया ऑलरेडी, और उसके बाद पब्लिश करने के बाद दूसरा पेमेंट हम पे करोगे। ओके, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया है, बाकी आपका दूसरा पेमेंट पब्लिक करने के बाद जो है हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, सिंपल सा वीडियो पब्लिक की, लिंक भेज दी, ठीक है। लिंक भेजने के बाद ये बोली अनअवेलेबल दिखा रहा है वीडियो, तो मैंने इनको दोबारा से लिंक भेज दी, ठीक है। मैंने दोबारा लिंक भेजी, इन्होंने जो है बोला कुछ इस तरीके से, ओके ओके जी, हमने चेक किया पहला वीडियो अनअवेलेबल, इसीलिए मैंने बोला आपका पेमेंट मिलेगा और व्यू साइन अप आने के बाद आपके साथ काम करने को हम पसंद है, ठीक है। इन्होंने बोला आपका पेमेंट ये अभी कर दिया जा रहा है, बाकी जो है अगर और अच्छा आपकी तरफ से रिस्पांस मिला तो दोबारा भी हम आपके साथ काम करेंगे। उसके बाद इन्होंने आप देख सकते हो कि सेकंड पेमेंट भी किया गया है, मैंने बोल दिया ओके थैंक यू फॉर योर वीडियो, ठीक है। यहाँ पर दो देख सकते हो इन्होंने हज़ार हज़ार रुपये के पेमेंट मुझे किए, पहला ये, ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है। तो ये दो पेमेंट इनकी तरफ से मुझे किए गए, और मैंने इनसे किस तरीके से बात की और किस तरीके से मैंने जस्टिफाई किया, देखिए दोस्तों सीधी सी बात यह है, आपको सिंपल सा ये जो भी लिंक दें उनमें से किसी लिंक पर आपको सबसे पहले तो क्लिक नहीं करना है, ठीक है। कोई भी स्पॉन्सर हो, मैं क्लियर बोलता हूं, आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, सिंपल सा उन्होंने लिंक दिया, उनसे बोलो मैंने आपका एप्लीकेशन चेक कर लिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। उन्होंने चेक कर लिया, चेक करने के बाद सिंपल सी कोई प्रोसेस आगे इसकी ऐसी खास नहीं होती है जो मतलब वो बोले कि ऐसा करो ही करो, ठीक है। तो अगर कोई आपको जिद कर रहा है किसी काम के लिए तो वो काम आप बिल्कुल से मत करना, ठीक है। इस चीज़ को जो है सो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भाई मैंने इनको बोला, इन्होंने मेरी बात मानी, ठीक है। बात मानने के बाद क्या हुआ, सिंपल सा मैंने बात की कि भाई मेरा चार्ज ये है, उन्होंने बोला मैं ये दे पाऊंगा। अब आप सोच रहे हो भैया कि प्राइस आपने कैसे डिस्कस किए, तो मेरे चैनल के हिसाब से 2000 रुपये मुझे बहुत मिल गए, ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पर व्यूज़ बहुत कम ही आते हैं, ठीक है। तो आपके चैनल पर अगर मान लीजिए पर वीडियो पर 2000 व्यूज़ भी आ रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से आराम से 4 से 5 हज़ार रुपये का स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके चैनल पर 500 से नीचे व्यूज आ रहे हैं तो वहां पर आपको जो है 500 रुपए तक की, 1000 रुपए तक की स्पॉन्सर मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ डिस्कस करना होता है। सो आई होप दोस्तों, ऐसा करता हूं आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। अगर सारा डाउट क्लियर हो गया और आपको पता चल गया किस तरीके से आपको स्पॉन्सर वालों से बात करनी है, कैसे क्या करना है, तो आई होप बस क्या ही कह सकता हूं, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और बस बेल आइकन को ऑल पर दबा लेना, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ऐसी नॉलेजबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखिए, प्यार से बनाए रखिए, वंदे मातरम, जय हिंद।